नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू संतोष जी क्लासेस। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भारत का परिचय बताया था, उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप था चला था, जिसमें भौतिक स्वरूप में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदान, मरुस्थल, पठार, तटरेखा, फिर तटीय द्वीप समूह, इन चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। उन पर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आते जैसे हमने पढ़ाया, उनसे कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। उस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे क्वेश्चन में क्या है, पठार और मैदान को मिक्स कर लेगा, पठार और पर्वतों को मिक्स कर लेगा, ऐसे प्रश्न बना सकता है। जैसे ऊपर से सीरीज देता है काराकोरम, फिर गारो खासी, फिर सतपुड़ा, फिर अन्नामलाई, ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं कि सीक्वेंस बनाओ। पठार है, नीचे अन्नामलाई, ये दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, सतपुड़ा पठारी क्षेत्र में जाता है, वो पर्वतीय क्षेत्र में, और उत्तर पूर्व, तो उन्होंने पूरा मिक्स कर दिया। इस प्रकार के प्रश्न एक होते हैं। या दूसरे प्रकार के प्रश्न, मैच दी कॉलम में प्रमुख ऊंची चोटियां रख सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वती, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन या केटू, माउंट केटू, फिर दूसरी उसके बाद भारत की जो रखा जाए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोडा बेटा, फिर अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी, इस प्रकार से, या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर, या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इस प्रकार के प्रश्न मैच दी कॉलम में बना सकते हैं। या पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में कॉन्सेप्ट से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे हमने बताया था पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से किस प्रकार अलग है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। या पर हिमालय की जो संरचना है उससे प्रश्न पूछा सकता है, कॉन्सेप्ट पर बड़े एग्जाम फिर जाएंगे, छोटे एग्जाम्स में तो सीक्वेंस या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें पूछेंगे। भारत की सबसे ऊँची चोटी माउंट जो है गॉडविन ऑस्टिन है, कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय पर है। यदि कहा जाए भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा पर्वत, नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हिमालय की संरचना से जुड़े हुए प्रश्न आए, तो हिमालय जो पश्चिमी क्षेत्र है वह विस्तार उसका अधिक है किसकी अपेक्षा, उत्तर पूर्वी हिमालय की अपेक्षा, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अधिकांश भाग बर्फीला है, लद्दाख का पठार है, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ इतनी नहीं है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तो उधर जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और जो देखा जाए पश्चिमी हिमालय कम ऊंचा है बजाय इसके पूर्वी हिमालय के, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक है, तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे तटीय द्वीप समूह के बारे में हमने बताया, ऐसे सतपुड़ा रेंज के बारे में, अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, चार सफल एग्जाम जैसे क्वेश्चन रख देते हैं, तो सबसे प्राचीन अरावली है। तो इस प्रकार से हमने भारत का भौतिक स्वरूप पढ़कर उसके विभिन्न आयाम देखे, उससे जो भी प्रश्न आएंगे आप निश्चित कर लेंगे। अब हम आज आगे चर्चा करते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या भारत का अपवाह तंत्र। नदी या अपवाह एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। नदी आखिर क्या है, जब वर्षा होती है तो हम देखते हैं नालियों में पानी बहता है, नालों में पानी बहता है, विभिन्न वाहिकाएं जो होती हैं पत्ती पत्ती में पानी बहता है, इस प्रकार पानी बहकर प्रवाहित हो जाता है, लेकिन इकट्ठा नहीं होता। यदि पानी इकट्ठा हो जाए, यदि नदियाँ नालियाँ या नाले या विभिन्न वाहिकाएँ ना हो, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार नदियों का विशेष महत्व है। और देखा जाए ये वाहिकाएँ हैं, ऐसे हर वाहिका तो नदी नहीं कही जा सकती है, तो आखिर नदी किसे कहते हैं। नदी वह है जो निश्चित जल प्रवाहित करती है, मतलब वह निश्चित वाहिका जो जल का प्रवाह करती है। अपवाह या नदी कहलाती है। वाहिकाएं तो बहुत सारी होती हैं,
कहीं से पानी निकल रहा है क्या, सब नदी हो जाती है, लेकिन निश्चित जो वाहिका होती है मतलब जल उससे प्रवाहित होता रहता है निरंतर, तो वह वाहिकाएं रहती हैं। हालांकि कुछ वाहिकाएं ऐसी होती हैं, नदियाँ ऐसी होती हैं जो साल भर नहीं चलती हैं, उसमें पानी सूख जाता है। कुछ वाहिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें साल भर पानी भरा रहता है, तो उस प्रकार भी नदियों का विभाजन होता है। क्योंकि भारत में नदियों का तंत्र बहुत विकसित है, नदियों के कई प्रकार के जाल पाए जाते हैं, तो इसीलिए हमें नदियों का प्रतिरूप भी देखना होगा। पूछ लिया जाता है कि भारत में वृक्षनुमा नदियाँ किस तंत्र की हैं, जालीनुमा नदियाँ किस तंत्र की हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नदियों का प्रतिरूप देखना होगा, डिजाइन प्रतिरूप, नदियों का प्रतिरूप, नदियों का प्रतिरूप। तो पहला प्रतिरूप वृक्षनुमा, वृक्षनुमा, वृक्षनुमा। अभी जब पढ़ाएंगे तो हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, जो हिमालय से प्रवाहित नदियां होती हैं, वह वृक्षनुमा बनाती हैं। मतलब वृक्षनुमा का मतलब होता है जो नदियां उनकी सहायक नदियां, पेड़ में जो शाखाएं होती हैं उनके जैसी हो, जैसे गंगा नदी निकल रही तो इधर यमुना नदी मिली आ गई, उनकी यमुना की सहायक नदियाँ ऐसे आ गई, फिर गंगा की उत्तर से सहायक नदियाँ ऐसे आ गई, शाखा के रूप में हो रही। तो इस प्रकार की नदियाँ किसमें आएंगी, वृक्षनुमा में आएंगी। यदि कहता है वृक्षनुमा नदियों का उदाहरण है हिमालय तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, प्रायद्वीपी पठार की नदियाँ, या कह दे इनमें से कोई नहीं, तो किसका तंत्र रहता है, हिमालय का जो नदी तंत्र है वो वृक्षनुमा है। इंग्लिश में कह सकते हैं डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक। फिर दूसरा एक नदी तंत्र होता है, मतलब प्रतिरूप होता है उसका डिजाइन नदी तंत्र का, जिसे कहते हैं अरीय, अरीय, अरीय होता है रेडियल, रेडियल। ये क्या होता है अरी, फिर किसी पर्वत पहाड़ से विभिन्न दिशाओं में नदियां निकलती हैं तो उसे अरी कहते हैं, वो डिजाइन अरी है। जैसे जब हमने पढ़ाया था सतपुड़ा रेंज में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता था, सतपुड़ा रेंज में आगे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता था, वहाँ मैकाल पर्वत था, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक थी, तो अमरकंटक से एक सोन नदी जाती है, एक इधर नर्मदा नदी निकलती जाके है हम्पार की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, तो ये कैसी हुई, इधर भी नदी जा रही है, इधर भी नदी जा रही है, तो ये किसका उदाहरण है, अरी नदी का उदाहरण है। इस प्रकार का अरी कह सकते हैं, नर्मदा नदी जो है वो अरी नदी का उदाहरण जाता है। अब उसके बाद यह अमरकंटक जो क्षेत्र है वो अरी नदी का उदाहरण है। अब तीसरा जालीनुमा, जालीनुमा, जालीनुमा क्या होता है, ट्रेलिस, ट्रेलिस कह देते हैं इसको, ट्रेलिस, ट्रेलिस। जालीनुमा क्या रहता है कि नदियां क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर हों, क्या हो, जैसे नदियां एक दूसरे के, जैसे यहाँ पर नदियां एक दूसरे के समांतर हों, नदियां क्या हो, एक दूसरे के समांतर हों, लेकिन उनकी जो सहायक नदियां 90 अंश का कोण बनाती हूँ, 90 अंश का कोण बनाती हूँ, तो इस प्रकार की नदियां क्या होती हैं, कौन सी नदी कहलाती है, जालीनुमा नदी कहलाती है। यह प्राचीन भारत में देखने को मिलेगी, जैसे कृष्णा नदी है उसके ऊपर सहायक नदी मिल रही आके है, तो ये सब किसकी नदियाँ, ये कौन सा है, प्रायद्वीपी भारत का जो नदी तंत्र है वो जालीनुमा है। तो इस प्रकार ये हो जाता है कृष्णा की जालीनुमा जो डिजाइन है वो किस नदियों का उदाहरण है, जो हम प्रायद्वीपी नदियाँ पढ़ेंगे। फिर जो है कहते हैं अभिकेंद्रीय नदियाँ, अभिकेंद्रीय नदियाँ, अभिकेंद्रीय नदियाँ, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जो है इसको सेंटर पिटल, सेंटर पिटल जो अभिकेंद्रीय नदियाँ हैं वो क्या होता है, विभिन्न जगहों से आती हैं, किसी गार्ज में मिल जाती आते हैं, जैसे कि गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में आ गई, उधर से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में आ गई, तो ये एक प्रकार से क्या बना रहा है, जो विभिन्न दिशाओं से आके नदियाँ एक जगह मिल रही हैं, गहरे गार्ज में गिर रही हैं, खाड़ी में गिर रही हैं, तो ये इसका अभिकेंद्री। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या रहता है, ये तो हमने डिजाइन देख लिया भारत में नदियों का कैसा है। अब जो बात आती है भारत में नदी तंत्र किस प्रकार विभाजित किए गए हैं, एक तो देखा जाए जो जल विसर्जन के आधार पर, भारत में दो प्रकार से नदी तंत्र है या अपवाह तंत्र है, जल विसर्जन के आधार पर, ये भारत है अपना भारत है। एक तो नदी तंत्र इधर जो नदियाँ गिर रही हैं, नर्मदा, ताप्ती, फिर इसके बाद सरावती, भरतपुजा, पैना, पेरिया, इस प्रकार नदियाँ किसमें गिर रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर गिर रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं,
अरब सागर। इधर कुछ नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर वैगई, कावेरी, वैगई। तो ये नदियाँ क्या हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो एक तो नदियों का विभाजन नदी तंत्रों का इस प्रकार हो सकता है कि अरब सागर में जल विसर्जन करने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करने वाली नदी। तो ये एक विभाजन होता है, अपवाह तंत्र का विभाजन। एक तो कौन सा है? अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। जो प्रश्न इस प्रकार पूछ रहे कॉन्सेप्ट में कि जो अपवाह तंत्र है उसका कुल जल कितना बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है, कितना अरब सागर में, जो भारत के अपवाह तंत्र का कुल जल जो है 77% जो है इसमें विसर्जित होता है बंगाल की खाड़ी में, 23% ही जो है इसमें अरब सागर में। इस बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब जो नदियाँ इधर से निकली भारत के हिस्से से, इधर से गई, इधर मिली जाके, या हिमालय से आई गंगा नदी, इसमें बंगाल की खाड़ी में गई, तो कुल जल भारत का कितना 77% इधर जा रहा है, और इधर से कुछ नदियाँ निकली इधर आई, जैसे नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से निकली यहाँ पर गिरी अरब सागर में। तो इस प्रकार जो है पेरियार नदी आई, ताप्ती नदी आई, भरत पूजा, सारावती नदी आई, तो 23% जल जो है इसमें विसर्जित करते हैं अरब सागर में। तो महत्व बंगाल की खाड़ी का अधिक बढ़ जाता है, लेकिन यह सर्वमान्य अपवाह तंत्र नहीं है, यह अपवाह तंत्र का विभाजन सर्वमान्य नहीं है। हम लोग किस आधार पर अपवाह तंत्र का विभाजन पढ़ेंगे जो कि सर्वमान्य भी है, उसी आधार पर हम लोग नदियों को पूरी तरीके समझेंगे। जो उद्गम, नदियों के उद्गम, उद्गम के आधार पर जो उनके प्रकार है, प्रकार के आधार पर कह सकते हैं, और उनकी विशेषता है उनके आधार पर, विशेषताओं के आधार पर नदियों का विभाजन, आधार पर नदियों का विभाजन या आधार पर भारत का अपवाह तंत्र, भारत का इसके आधार पर नदियों का विभाजन या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। अब इस प्रकार देखेंगे ये दो प्रकार से हो जाता है भारत में अपवाह तंत्र का विभाजन। एक तो हिमालयी नदियाँ या हिमालय अपवाह तंत्र। दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है। हिमालय अपवाह तंत्र को पहले तो हम थोड़ा समझते हैं रियल में क्या, पहले अंतर हमें थोड़ा सा जानते हैं। हिमालय जैसे जो नदियाँ निकलती हैं ज़्यादातर वो क्या होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं, मतलब साल भर उनमें पानी भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको वर्षा जो मानसून से आता है टकराता है हिमालय से, उससे तो पानी मिलता ही है, साथ में जो दूसरी और ग्लेशियर हैं जो हिमालय के विभिन्न बहुत सारे, उन ग्लेशियर से पानी नदियों को मिलता रहता है। तो उस प्रकार उनमें साल भर वर्षा का जल बना रहता है या ग्लेशियर बर्फ का जल बना रहता है, सतत वाहिनी रूप से बहती रहती हैं। उनसे जैसे इनको क्या कह सकते हैं, कौन सी नदियाँ कही जाती हैं, सदाबहार नदियाँ, मतलब सदाबहार नदियाँ होती हिमालय पर्वत की, सदाबहार नदियाँ। या कौन सतत वाहिनी नदियाँ। अब ये वाली कौन सी नदियाँ होती हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, कुछ पठारी क्षेत्र से निकल रही हैं, इनमें वर्षा के जल पर निर्भरता ज़्यादा होती है,
जब मानसून का बारिश होती है मानसून द्वारा, तो ये नदियाँ पानी से भर जाती हैं और सतत रूप से बह रखती हैं। लेकिन जब मानसून खत्म होता है, पानी वर्षा का जल नहीं मिलता है, तो ये सूख जाती हैं, पानी इसमें बहुत घट जाता है। तो ये कौन सी नदियाँ होती हैं? कौन सी नदियाँ मानसूनी नदियाँ कहते हैं, मानसून से निर्भर होती हैं। मानसूनी नदियाँ और ये किसमें है? प्रायद्वीप में है, तो इसलिए प्रायद्वीपी नदियाँ भी कहते हैं। प्रायद्वीपी नदियाँ या असतत पानी भी कह सकते हैं, लगातार वर्ष भर पानी इसमें नहीं रहता है। इन नदियों को सदाबहार नदियाँ, असतत पानी नदियाँ या बारहमासी नदियाँ भी कह सकते हैं। बारह मास भर पानी रहता है, बारहमासी नदियाँ। अब बात आती है जैसे हिमालय की कौन सी नदियाँ जैसे हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ये है भारत, हिमालय उपतंत्र में गंगा, इधर सिंध के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियाँ जो है किसका? हिमालय उपतंत्र में है। गंगा यहाँ पर, हिमालय उपतंत्र गंगा हिमालय से निकल रही है। यहाँ पर कुछ नदियाँ अपवाद हो जाते हैं, चंबल है ना, इधर से हिमालय से आ रही है ना, प्रायद्वीप है, ये मालवा के पठार से आ रही है, ये गंगा यमुना में मिलती है। तो कुछ नदियों को छोड़ दे, गोमती नदी मैदान से निकलती है, फूलन झील से, तो वो भी हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन साल भर वह वर्षा के पानी से, क्या कह सकते हैं, साल भर वह वर्षा जो होता है पानी, तो साथ ही साथ वह भरी रहती है जल से। तो कुछ नदियाँ ऐसी रहती हैं, बारहमासी नदियाँ ऐसे कौन सी हैं? सिंधु है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये कैसी नदियाँ हैं? ये सतत वाहिनी नदियाँ हैं। ये गंगा है, यमुना है, सतत वाहिनी नदियाँ। अब इधर कौन सी प्रायद्वीपी नदियों में? कृष्णा है, कृष्णा हो गई, फिर गोदावरी है, कावेरी अपवाद में रहती है, पेन्नार है, वैगई, शरावती नदी। इस प्रकार की नदियाँ, अनेक नदियाँ जो हैं, ये कैसी हैं? प्रायद्वीपी तंत्र की नदियाँ हैं। साल भर वर्षा का जल जो नहीं रहता है, मतलब वर्षा पर निर्भर रहती हैं, साल भर जल इनमें नहीं बना रहता है, ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती हैं। अब हम बात करते हैं आगे, अब हिमालय अपवाद तंत्र को किन रूपों में विभक्त करते हैं और प्रायद्वीपी अपवाद तंत्र को किन रूपों में विभक्त करते हैं, तो हम देखते हैं। ये ग्लेशियर मानसून जो आता है दोनों पर निर्भर करती है या केवल मानसून पर निर्भर रहती है, और मतलब मानसून का मतलब वर्षा के जल पर निर्भर रहती है। अब इसको हम दो भागों में देखते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र को। तो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र जैसे इसको दो भागों में हम देखें, तो हमने पहले चर्चा की थी, ये भारत है। तो कुछ नदियाँ अरब सागर में जो गिर रही हैं, ये दो रूप में अरब सागर में गिर रही हैं, कुछ नदियाँ किसमें गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये दो रूपों में भक्त जाता है, जब पढ़ाएंगे एक दो, किसमें? अरब सागर की नदियाँ, दूसरा किसमें? इधर गिर रही बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली नदियाँ। तो ये प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, लेकिन हिमालयी अपवाद तंत्र के बारे में हम आज क्लियर करेंगे और एक एक नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे नदी तंत्र पर जो भी प्रश्न है हम लोग भली प्रकार उनको कर सकें। देखते हैं हिमालय अपवाद तंत्र। नदियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तो हमें प्रमुख नदी तंत्र पढ़ना है, फिर छोटे छोटे नदी तंत्र हैं या छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रमुख भारत की जो नदियाँ उनका चर्चा करते हैं। तो हिमालय अपवाद तंत्र देखते हैं, समझते हैं।
ये हमारा पहला देश भारत है। देखते पहले तो हिमालय कौन है, तो एक जो है सिंध नदी जाती है यहाँ से, यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहीं पे मानसरोवर है, मानसरोवर से एक सिंध नदी ऐसे जाती है, सिंध नदी जाती है तो इसका एक है। एक गंगा नदी जो नदी तंत्र है, गंगा नदी का यहाँ से गंगा नदी तंत्र का जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक नदी तंत्र है। सिंध नदी तंत्र हो गया, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी तंत्र, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं एक जो है मानसरोवर से ही चिमयांगडुंग ग्लेशियर से सांपू नदी के रूप में जाती है, देहांग के रूप में एंट्री करती है और इसमें असम के रूप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में आ जाती है। तो ये इसके बारे में चर्चा करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो एक तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा सिंधु नदी तंत्र। अब जो हम देख रहे हैं तो हमें तीन नदी तंत्र पढ़ने हैं, सिंध अपवाह तंत्र या नदी तंत्र, अपवाह इंडस ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र, और फिर गंगा नदी तंत्र गंगा अपवाह अपवाह तंत्र, फिर तीसरा जो है कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अब रियल में ये तीनों अपवाह तंत्र शुरुआत में एक ही अपवाह तंत्र था, जो अलग अलग विभक्त हो गए, पहले एक ही था। माना जाता है कि मायोसिन युग था, मायोसिन युग, मायोसिन युग, युग कितने 50 करोड़ वर्ष पहले, 50 करोड़ से 50 लाख मतलब 50 लाख वर्ष पूर्व, 50 करोड़ वर्ष से 50 लाख लगभग, 50 करोड़ नहीं कर सकते 2.5 करोड़ तक, 2.5 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पूर्व इनके बीच जो समय था उसमें कौन सा मायोसिन युग था। तो ये जो तीन नदी तंत्र अलग अलग हुए, शुरू में एक ही नदी थी, यहाँ से जो नदी एक बहती थी ऐसे ऐसे ये नदी बहती थी, और ये कहाँ निकल जाती थी, ये निकल जाती थी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जो पठार है उधर क्षेत्र जो पड़ता है पश्चिम में पठार, तो उसमें निकलती थी। लेकिन जो हुआ क्या, कुछ ऐसी स्थितियाँ घटित हुई कि ये पठारी क्षेत्र कुछ उठा, तो यहाँ से एक नदी तंत्र विभक्त हो गया, यहाँ पर मालदा गैप हुआ, तो गंगा एक नदी तंत्र के रूप में यहाँ पर निकली, जो नदियाँ प्रवाहित होने लगी बंगाल की खाड़ी में, उधर कुछ जो है मालदा गैप द्वारा ब्रह्मपुत्र अलग हुआ, तो यहाँ से निकलने लगी नदियाँ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में। तो कहने का मतलब पहले जो एक पूरी नदी थी यहाँ से आती थी पूरी, और पूरी निकल के यहाँ से कहाँ पाकिस्तान में चली जाती थी, तो उस नदी का उस समय नाम था इंडो ब्रह्म, बाद में ब्रह्मपुत्र पड़ा उसी से इंडो ब्रह्म, या इसको शिवालिक नदी कहते थे। कौन सी नदी, शिवालिक, ये पहले नदी थी, बाद में इसी नदी के तीन नदी तंत्र बन गए, एक तो इधर इंडस सिंधु, बीच में गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र। अब हम इस नदी तंत्र की बात करेंगे, पहला हम सिंधु अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। अब प्रश्न इनसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, अब प्रश्न शुरू होते हैं मुख्यतः इन्हीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले सिंधु को अपना समझते हैं, पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, अपना प्यारा देश भारत। ये प्यारा देश भारत बन रहा है हमारा, ये समझने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कैलाश पर्वत श्रेणी है, इसी के पास मानसरोवर झील है, वहीं से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी ऐसे निकलती हुई कहाँ लद्दाख रेंज में जाती हुई, लद्दाख से ही होती हुई पाकिस्तान निकल जाती है, पाकिस्तान में आगे जाके यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर में गिरती जाती है, अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकली, मानसरोवर झील से, किस क्षेत्र में गई, लद्दाख में, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर से इसका कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, यहाँ पर इसके घर लेह पड़ता है, लेह से निकलती है, साथ ही साथ किससे निकलती है, लद्दाख से, ये लेह किसका जिला है, लद्दाख का है, तो लद्दाख से भी कह सकते हैं निकलती है लद्दाख। अब हमने बताया था जब पहले पढ़ा रहे थे तो हमने काराकोरम
ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, फिर क्या होता था काराकोरम के बाद नीचे जो इसके कौन सा आता है लद्दाख, फिर जास्कर। तो अब ये जो है सुंदर जी किसके, जो काराकोरम सबसे ऊपर थे लद्दाख, ये लद्दाख और किसके बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच ही सिंधु नदी निकलती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी का प्रभाव होता है, लेह इसके किनारे पड़ता है, लद्दाख से निकलती है, लद्दाख पूरा रीजन है और यहीं पे सेयुक नदी मिलती आके है। यहाँ से नहीं कह सकती, यहाँ से यहीं से क्या है, यहीं से क्या होती है सेयुक नदी जो है सेयुक नदी मिलती आके है। सेयुक नदी, सेयुक नदी कहाँ से मिल रही है, इधरी क्षेत्र से आती है, ये इधरी क्षेत्र से सेयुक नदी ऊपर क्षेत्र से सेयुक नदी आती है। ये किसको काटती जाती है, काराकोरम, काराकोरम को काटते हुए मिलती आके है। यहाँ पे आगे काबुल नदी मिलती आके है। इसकी अन्य बहुत सारी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जैसे नुब्रा है, गिलगित है, कुंजा है, बहुत सारी, लेकिन गिलगित जैसे सेयुक नदी इंपॉर्टेंट है, काबुल नदी। तो सिंधु नदी से प्रश्न जो पूछा जा सकता है तो क्या रहता है, भारत में ये कहाँ से गुजरती है, लद्दाख में गुजरती है, लेह इसके किनारे स्थित है। दूसरा इसके प्रश्न क्या रहता है, इसमें सेयुक नदी मिलती है। तीसरे इसमें क्या बात होती है, ये किनके किनके बीच है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर के बीच है। अब उसके बाद सिंधु नदी, सिंधु नदी कौन सा हम पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तक, सिंधु अपवाह तंत्र। फिर दूसरी बात करते हैं, यहीं पर जो है इसके बाद यहाँ अनंतनाग जिला है, यहीं पे कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे अनंतनाग जिला है या पीर पंचाल श्रेणी का मेन भाग है। तो यहाँ से कौन सी नदी आती है, यहाँ पे निकलती नदी उसका नाम है झेलम, झेलम नदी निकलती है और ये ऐसे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती हुई निकल जाती है। कौन सी नदी है, झेलम, ये सिंधु नदी थी, ये सिंधु नदी, ये कौन सी नदी है, झेलम नदी हो गई। यहाँ से क्या है, यहाँ निकल रही है, तो यहाँ पर क्या पड़ता है, बुलर झील पड़ती है, बीच में क्या पड़ रही है, बुलर झील से पानी लेते हुए फिर आगे बढ़ती है। ये यहाँ पर कश्मीर घाटी पड़ती है, कश्मीर घाटी के बाद ये क्या होती है, ये यहाँ पर सीमा बनाती निकलती है। ये कश्मीर घाटी से पहले यहाँ पर एक और नदी मिलती आके है, ये किशन गंगा नदी। कौन सी नदी मिलती है, ये कौन सी नदी मिलती है, किशन गंगा नदी, ये कौन सी, किशन गंगा नदी मिलती है यहाँ पर। तो ये कौन सा, किशन गंगा जो मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, क्या तुलबुल प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल साफ बना देंगे, समझा रहे हैं इसीलिए। फिर इसके बाद जो है एक और नदी आती है, इसके बाद चेनाब नदी आती है। यहीं पे जो झेलम नदी है तुलबुल प्रोजेक्ट में, श्रीनगर इसी किनारे बसा है, श्रीनगर यहीं पे बसा है। यहीं पे डल झील भी है, कौन सी झील है, डल झील भी है। अब अभी बात चर्चा करते हैं, उसके बाद बाकायदा लिखा देंगे। अब उसके बाद जो है चेनाब नदी निकलती है। चेनाब नदी क्या है, यहाँ पर बड़ा लाचाला दर्रा पड़ता है, कौन सा, बड़ा लाचाला दर्रा। तो यहीं पे चंद्र है और भागा है, दो नदियाँ हैं चंद्र भागा, यहाँ पर बड़ा लाचाला के पास मिलती आके हैं और वहीं से क्या होता है, ये सिंधु जो ये चेनाब नदी बन जाती है। चेनाब नदी ऐसे आके ऐसे निकलती जाके चेनाब नदी आ गई, उसी में क्या मिल जाती है, झेलम नदी मिल जाती है, ये झेलम नदी। फिर इसी के बाद जो है झेलम के बाद यहीं पे जो है कौन सी नदी आती है, इसके बाद झेलम के बाद रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रा है, रोहतांग से आती हुई किसमें मिल जाती है, पाकिस्तान में ही, इसमें चेनाब में मिल जाती है। फिर उसके बाद सतलज नदी आती हुई ऐसे सतलज नदी निकल जाती है, कहाँ पर, इसमें मिलती आके है सिंधु नदी में, तो सतलज में ही चेनाब आगे मिल जाती है। और यहीं पे जो है व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, व्यास नदी निकलती है। अब इसको हम बाकायदा स्पष्ट समझते हैं, इसको बिगाड़ के लोकेशन दिखा दी, इसको क्लियर समझते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है। अब इसी में सिंधु नदी,
सिंधु नदी, सिंधु नदी है, इसी किनारे लेह है। कहाँ पे है ये? लद्दाख और काराकोरम, काराकोरम लद्दाख, लद्दाख और जास्कर के बीच है, लद्दाख जास्कर के बीच है सिंधु नदी। कहाँ से? पाकिस्तान में पहुंच रही है, यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान। फिर यहाँ पर कौन सी नदी निकल रही थी? अनंतनाग से, अनंतनाग से झेलम नदी निकल रही थी। अनंतनाग जिला है, वहाँ पे कौन सी जगह है? वहाँ पे है शेषनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील कह सकते हैं, शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील से कौन सी नदी निकल रही है? झेलम नदी निकल रही है। कौन सी? झेलम नदी, झेलम नदी। यहाँ पर उसके बुलर झील पड़ती है, यहाँ पर कौन सी झील है? बुलर झील, बुलर झील से फिर नदी आगे बढ़ती है झेलम, यहीं पर किशन गंगा नदी मिल जाती है आगे, वहीं पर तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, बांध बना लिया गया। कौन सा प्रोजेक्ट है? पूछ लिया जाता है, तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट। यहीं पर इसी के पास क्या है? श्रीनगर भी है झेलम के ही पास। क्या है? श्रीनगर, राजधानी जम्मू की जो है श्रीनगर। और इसी जो बुलर झील मिलती है, यहीं पर कश्मीर घाटी भी है झेलम झील के पास। क्या है? झेलम नदी के पास कश्मीर घाटी भी है, कश्मीर घाटी। यहाँ पर जो झेलम नदी है, करेवा नाम की जो मिट्टी है वो लाती है। यहाँ पर झेलम नदी क्या है अभी बताएंगे, करेवा, याद रहे करेवा, झेलम नदी करेवा मिट्टी लाती है। वही जाफरान और इसके लिए केसर खेती के लिए फेमस है। अब झेलम नदी हम आगे बढ़ा रहे हैं, पहले बुलर झील पड़ी, फिर तुलबुल प्रोजेक्ट पड़ा, फिर झेलम नदी ऐसे होते हुए निकल गई पाकिस्तान में। फिर उसके बाद दूसरी नदी आती है, इसका नाम है झेलम चिनाब। चिनाब दो नदियों से मिलकर बन रही है, चिनाब एक तो है कौन सी? चंद, और दूसरी भागा, दोनों नदियों से मिलकर बन रही है। तो चंद्र भागा नदी से मिलकर चिनाब बनती है, चिनाब, चिनाब, चिनाब नदी। या भी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होते हुए निकल जाती है पाकिस्तान। और इसी चिनाब नदी के इधर से कौन सी नदी मिल रही है? झेलम नदी चिनाब नदी में मिल रही है। फिर इसी चिनाब नदी पे थोड़े से प्रश्न आ जाते हैं, चिनाब नदी की चंद्र और भागा यहीं पे कहाँ पर मिलता है? बड़ा लाचाला दर्रा है, वहाँ पे चिनाब नदी पे मिलता है। अब चिनाब नदी से होते हुए आगे बढ़े, अब उसके बाद कौन सी नदी आती है? रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बाद रोहतांग दर्रा है, कहाँ? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है, फिर आगे कहाँ मिलती है पाकिस्तान में? रावी नदी चिनाब में मिल जाती है। कौन सी बीच वाली चिनाब? और यही रावी नदी के किनारे कौन सा है? लाहौर, रा और रावी, लाहौर, लाहौर में भी रहा है, रावी में भी रहा। लाहौर पाकिस्तान का जो जिला है, फेमस जिला, वहाँ से रावी नदी निकलती है। निकली कहाँ थी? हिमाचल के पास रोहतांग दर्रा, हिमाचल पे गई, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सीधे फिर पाकिस्तान। फिर हम इसके बाद कौन सी नदी आती है? ये कौन सी नदी पढ़ रहे थे हम लोग? ये कौन सी नदी थी? रावी, रावी। फिर उसके बाद यहीं से सिंधु नदी निकल रही थी, कहाँ? मानसरोवर से। उसके दूसरे क्षेत्र से कौन से सिरे से निकल रही है? सतलज नदी, सतलज नदी आके कहाँ मिलती आते हैं? सतलज नदी अरब सागर में, अरब सागर से पहले सिंधु में मिल जाती है। सिंधु नदी आई थी, ये सतलज नदी आई थी, ये सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज नदी का क्या सीन है? यह एंट्री करती सरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील से एंट्री कहाँ करती है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में जाती है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में सिरकिला दर्रा है, सिरकिला दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ से? सिरकिला दर्रा से, सिरकिला दर्रा से एंट्री करती है, फिर हिमाचल प्रदेश में जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश में ही यह बनाती है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद, गोविंद बल्लभ पंत नहीं सकते हैं, गोविंद सागर, गोविंद, गोविंद सागर, गोविंद सागर झील बनती है इसी पे। गोविंद सागर झील का निर्माण होता है, गोविंद सागर झील का निर्माण होता है किस नदी पर? सतलज नदी पर। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें कौन सा बांध है? हर भाखड़ा नांगल बांध, कौन सा बांध? ये हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब, हिमाचल, हिमाचल और प्लस पंजाब, इनके सीमा पर कौन सा बांध बनता है? भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा,
भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो कौन सा हरिके बैराज है, हरिके बैराज ये पंजाब में है, हरिके बैराज, हरिके बैराज ये भी पंजाब में ये भी बांध है। तो अब देखते हैं सतलज नदी पर कौन कौन चीज़ें होती हैं। पहली सतलज नदी पर गोविंद सागर झील जो बनती है उसका निर्माण होता है, फिर भाखड़ा नांगल बांध होता है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हरिके बैराज होता है। हरिके बैराज से प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज के पास से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ये हरिके बैराज से पास ही कौन से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अब इस प्रकार जो है प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका फायदा किन राज्यों को मिलता है, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका फायदा राजस्थान, पंजाब से निकल रही तो पंजाब को तो मिलेगा ही, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश और यूपी, इनको चार राज्यों को इससे फायदा मिलता है। अब प्रश्न किस प्रकार रखते हैं, ये है इसके हमने बता दिए, इसके बारे में लिखाते हैं डिटेल से थोड़ा सा, क्या है प्रश्न, क्या है पहले तो प्रश्न जैसे बनता है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, किस जिले से, कौन सा जिला है, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला है। फिर उसके बाद उसके पीछे कौन सी नदी आती है, चिनाब नदी, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है, बाड़ा लाचारा दर्रा के पास मिल जाते हैं और चिनाब नदी आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में पहुँच जाती है। फिर रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी उसके नीचे निकलती है, रावी नदी निकलती है, रावी नदी कहाँ, विंध्या के लाहौर इसके पास है पाकिस्तान में, किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर सतलज नदी निकलती है, इसके ऊपर एक और नदी है इसका नाम है ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी ये किस में मिलती है, सतलज नदी में मिलती है, ये किस में मिलती है, सतलज नदी में मिल जाती है ब्यास नदी। ये कहाँ, ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल का ब्यास कुंड जगह है ब्यास कुंड। तो प्रश्न इस प्रकार होते हैं। अब सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर। सरदार जो ऑफिस है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज के पास से निकलती है। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, जैसे देख लेते हैं सिंध नदी, सिंध नदी के किनारे, के किनारे ले स्थित है, ले स्थित है, यह कहाँ से निकलती है, यह लद्दाख, लद्दाख से होते हुए, लद्दाख से होकर पाकिस्तान पहुँचती है, पाकिस्तान निकल जाती है, पाकिस्तान निकल जाती है, निकल जाती है। जो यहाँ पर ये सिंधु नदी थी, सिंधु नदी और कौन सी नदी, ये सतलज नदी, यहाँ पर अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं और अरब सागर में ही दो नदियाँ गिर भी जाती हैं। और जो कहा जाए सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज नहीं है, कौन सी है, चिनाब नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब। फिर सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है, चिनाब है। देखो सिंधु का भी ओरिजिन बाहर से है उद्गम, और इसका सतलज का भी जो ओरिजिन है कहाँ से, बाहर से है, सिंधु का भी ओरिजिन बाहर से, सतलज का भी, सतलज व सिंधु का उद्गम, का उद्गम, उद्गम भारत के बाहर से है, भारत के बाहर है, भारत के बाहर है, बाहर है। फिर देखते हैं फिर इससे क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिर झेलम, झेलम, झेलम शेषनाग झील से निकलती है, झील से निकलती है,
या बुलर झील से या क्या है बुलर झील से भी गुजरती हुई या बुलर झील से गुजरती हुई भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है इसी के पास डल झील भी है एवं क्या है श्रीनगर स्थित है। अब झेलम नदी से जुड़ी बातें हो गई, फिर इसके बाद भी क्या आता है, इसी पर तुलपुर प्रोजेक्ट हमने यही बता दिया। फिर जो है इसमें और क्या हो सकता है, इसमें देखेंगे। फिर चेनाब नदी के बारे से लंबी है, चंद्रभागा से मिलती है। चेनाब नदी किससे निकलती है, चेनाब हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में सतलज में मिलती है। इसमें मिल रही है, देखो सतलज में मिलती है। यदि आप डायग्राम समझें तो अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद कौन सी है, रावी नदी। अच्छा ये जो है कराची कहाँ है, इस सिंधु के पास में है, पाकिस्तान में कराची शहर सिंधु के पास है। और सतलज के जो रावी के किनारे कौन सा शहर है, लाहौर शहर है। अब इसके बाद जो देखा जाए कौन सी रावी नदी में, हमने क्या बताया रावी नदी लाहौर इसके पास है, और ये कहाँ से निकलती है, रोहतांग से। रावी रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में किससे मिलती है, ये कौन सी नदी रावी नदी किससे मिलती है, चेनाब से मिलती है। तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब इसके बाद जो है सतलज रावी हो गया, ब्यास नदी के बारे में कुछ है नहीं इतना, सतलज नदी मिलती है, सतलज नदी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखनी होगी थोड़ा सा, सतलज नदी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है। सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है, कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। ये कहाँ है, मानसरोवर के पास में, कहाँ है मानसरोवर के पास, राक्षस ताल से निकलती है राक्षस ताल से, या राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। इसी पर क्या है, गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, गोविंद सागर झील बनाई गई हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर कौन सा बांध है, सीमा पर भाखड़ा नागर बांध इसी नदी पर है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है, हरिके बैराज पंजाब में स्थित है। फिर जहाँ से कौन सी नहर निकलती है
भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर, बड़ी नहर इंदिरा गांधी, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी निकलती है। हमने पहले बता ही दिया था किन किन को फायदा पहुंचाती है। तो इस प्रकार जो है हम लोग सिंध नदी तंत्र को समझे अच्छे प्रकार से। इसी प्रकार से प्रश्न इसमें पूछ लिया जा सकता है। पहली बात तो ये सिंध की सहायक नदियां इनमें से कौन कौन सी हैं, तो सीक्वेंस क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं। सबसे ऊपर झेलम है, झेलम, फिर चिनाब क्रम पूछ लेते हैं कभी कभी, चिनाब, फिर कौन है रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। कोई जरूरी नहीं है इतना जटिल तुमको ग्राफ में बनाना पड़े, बस समझने के लिए बनाया गया सतलज बना, तुम लोग भी सबोगे, इसमें कुछ नया नहीं है। अब उसके बाद जो गंगा नदी तंत्र था इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमने बताई थी, या सिंध नदी किन किन के बीच में स्थित है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है। फिर उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र के बारे में बताते हैं, फिर हम उसको स्पेसिफिक कल देखेंगे अगले लेक्चर में। गंगा नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र जानते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यदि उत्तर के मैदान में गंगा नदी नहीं होती तो उत्तर का मैदान एक बंजर के रूप में होता। गंगा नदी का महत्व सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से इसका महत्व है। सांस्कृतिक में विभिन्न इस पर जो है पवित्र तीर्थ स्थल बने हुए हैं, सामाजिक रूप से या विभिन्न प्रकार के जो है मेले वगैरह यहाँ पर आयोजित होते हैं, आर्थिक रूप से जो मेले पर्यटन होते हैं उससे भी काफ़ी रोजगार लोगों को मिलता है। यहाँ से जो है वन्य जीव हैं उनको पानी, या जो यहाँ पर करोड़ों लोग हैं वो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। इसके साथ गंगा के महत्व को हम समझते हुए गंगा नदी तंत्र भी पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र में पहले तो गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है, गंगा कैसे अवतरित होती है जो गंगा के बारे में पढ़ने से पहले हम गंगा की अवतरित होने से पहले उसके बारे में जानते हैं। यहाँ संतोपत ग्लेशियर है, ग्लेशियर संतोपत ग्लेशियर से ही क्या है दो नदियाँ आ रही हैं, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब धौली गंगा विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती हैं इसको क्या कह सकते हैं, संगम कहो या प्रयाग कहो, एक ही बात है। तो कौन सा प्रयाग होता है, विष्णु प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग होता है, विष्णु प्रयाग। अब जो दो नदियाँ मिल गए विष्णु प्रयाग से मिल जाती हैं, जब विष्णु गंगा धौली गंगा, तो एक नई नदी का निर्माण होता है दोनों धाराओं से, उसका नाम होता है अलकनंदा। कौन सी नदी, अलकनंदा। जहाँ पर ये मिलन होता है उसे विष्णुप्रयाग या जोशीमठ स्थान है, विष्णुप्रयाग या जोशीमठ पे मिलती हैं दोनों नदियाँ। यहाँ से अलकनंदा होता है, अलकनंदा चलती हैं, ये केदारनाथ इसी के बगल में है अलकनंदा, फिर चलते हुए अलकनंदा आगे बढ़ती हैं, अलकनंदा से इधर से ही पिंडार ग्लेशियर हिमालय का है उत्तराखंड में ही पिंडार ग्लेशियर है, ग्लेशियर। ये सब हिमालय की ही बात है, हिमालय रेंज में। ये भी कहाँ पे है, हिमालय में उत्तराखंड, यूके। अब पिंडार नदी मिलती है, फिर यहाँ पे संगम या मिलन होता है, इसको संगम को या प्रयाग को, तो ये प्रयाग बनता है, यहाँ मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा को और पावर मिल जाती है कि एक नदी और धारा बढ़ गई तो अलकनंदा और तेजी से आगे बढ़ती है अधिक जल का प्रवाह करते हुए। फिर अलकनंदा में इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी, जो बद्रीनाथ है, यहाँ इसके किनारे स्थित है बद्रीनाथ, मंदाकिनी विष्णु भगवान से संबंधित थे, बद्रीनाथ है केदारनाथ शिव जी से संबंधित मंदिर है, चार धाम में केदारनाथ का वर्णन रहता है।
अब जो है मंदाकिनी नदियाँ आती हैं कहाँ, अलकनंदा में नदी आते हैं, तो यहाँ पर कौन रुद्रप्रयाग आ जाता है, रुद्रप्रयाग। फिर ये नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है, अब तो पिंडार की भी, पिंडार का भी जल मिल रहा है, मंदाकिनी का भी जल मिल रहा है। अब यहीं से भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी यहाँ से निकल रही है, कहाँ से, ये ग्लेशियर है यहाँ पर उत्तराखंड में ही ग्लेशियर है, वहां से क्या कौन सी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी आती है तो यहीं पे जो है भागीरथी नदी से यहीं पर एक नदी और मिलती है बिलंगाना नदी, ये भी ग्लेशियर से निकलती है, बिलंगाना नदी। ये भागीरथी नदी में मिलती है तो यहाँ पर टिहरी बांध बन जाता है, ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलती हैं, कौन सा बांध होता है वहाँ बनाया जाता है, टिहरी बांध पूछा जाता है, टिहरी बांध किन दो नदियों से बना हुआ है, भागीरथी बिलंगाना, यदि एक नदी का नाम दे वो सही नहीं होता है, दो नदियाँ हैं टिहरी बांध में। अब ये भागीरथी आगे बढ़ती हुई कहाँ मिलती आगे है, अलकनंदा में मिलती है, ये अभी अलकनंदा ही चल रही थी, अलकनंदा मिलती, तो ये अलकनंदा नदी थी अलकनंदा और ये भागीरथी, भागीरथी दोनों मिलकर जो संगम बनाती हैं या प्रयाग बनाती है, इसी को क्या कहते हैं, देवप्रयाग। कौन प्रयाग, देवप्रयाग। आगे चल के यहीं से क्या, देवप्रयाग के बाद से ही गंगा जो है, ये भागीरथी मिली, ये अलकनंदा मिली, यहीं से देवप्रयाग से ही गंगा शुरू होती है, यहीं से देवप्रयाग यहीं से दोनों के संगम के बाद गंगा नदी अवतरित होती है। गंगा नदी ऋषिकेश उत्तराखंड ये सब होते हुए कहाँ, जब जमीन में मैदान में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र को, हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार से मैदान क्षेत्र आता है, मैदान में एंट्री होती है, मैदान में प्रवेश करती है गंगा नदी। अब जो मैदान में हरिद्वार प्रवेश करती है, फिर आगे चल के गंगा नदी कहाँ मिलती है, आगे चल के गंगा नदी उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश था, गंगा नदी उत्तराखंड से आई, निकली मैदान हरिद्वार में, हरिद्वार के मैदान में आई, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एंट्री की, कहाँ, बिजनौर जिला पड़ता है, गंगा नदी कहाँ पे आती है पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, कहाँ से उत्तर प्रदेश में शुरुआत प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, और कहाँ उत्तर प्रदेश में निकलती जाके हैं, बलिया में बाहर निकलती हैं, बलिया से निकल के कहाँ, बिहार में एंट्री होती है, बिहार के बाद कहाँ जाती है, झारखंड निकलती है, झारखंड में पहुँचती है, झारखंड सफर तय करती है, झारखंड में पश्चिम बंगाल उसके बाद निकलती है, पश्चिम बंगाल से कहाँ गिरती है, बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी। तो कितने राज्यों में, ये भी प्रश्न पूछ जाता है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यूके एक दो, यूपी, फिर बिहार, फिर कौन सा, झारखंड और फिर कौन सा, वेस्ट बंगाल। अब जब वेस्ट बंगाल के बाद जब गंगा नदी यहाँ पर आती है, बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो इनका नाम क्या जाता है, बांग्लादेश में नाम पद्मा हो जाता है गंगा नदी का, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आने जाती है। इससे जो है स्टैटिक क्वेश्चन भी बहुत सारे निकलते हैं, कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन वो भी सारे मिल जाते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी एक प्रयाग नदी आता है, प्रश्न आ जाता है पिंडार और अलकनंदा के बीच कौन सा प्रयाग बनता है, या कभी कभी प्रयाग देखे इधर मछली कॉलम करा भी आता है, जैसे अलकनंदा पिंडार, अलकनंदा मंदाकिनी, या मंदाकिनी नदी किनारे कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है, बद्रीनाथ है, या विष्णु प्रयाग के पास कौन सा तीर्थ स्थल है, केदारनाथ है, इस प्रकार के प्रश्न भी रखे जाते हैं परीक्षा में। अब गंगा नदी में जो है दो तरीके से देखते हैं इसको, हम गंगा नदी के बारे में फिर विस्तृत चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे गंगा नदी तंत्र का। तो गंगा नदी जो आती है, गंगा नदी से निकल रही है कहाँ कहाँ से, यूके से निकली, यूपी से निकली, बिहार से निकली, झारखंड से निकली, फिर वेस्ट बंगाल में गई, फिर पश्चिम बंगाल में गई। तो गंगा नदी निकल रही है, इससे एक तो ये है
उत्तर से गंगा नदियों में कौन सी नदियाँ मिलती आगे हैं सहायक नदियाँ उत्तर में, जैसे बड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, सबसे अंत में जो है महानंदा नदी आती है, गंडक है, इससे पहले कोसी घाघरा है। तो इस प्रकार नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक दक्षिण से कौन सी नदियाँ मिलती हैं गंगा में, उन नदियों की अलग से चर्चा होगी। और इनके किनारे प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन से हैं और इनके किनारे प्रसिद्ध कौन से जिले हैं, कहाँ किस जिले में मिलती हैं, इन पर विस्तृत चर्चा होगी। क्योंकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से निकलती है, मेन रोड कटती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, और सबसे लंबी जो नदी का हिस्सा है गंगा नदी का वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती है उसमें गंगा नदी से प्रश्न रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे गंगा नदी तंत्र का, फिर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इस प्रकार नदी तंत्र आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।